short. Hello my dear friends and future IAS officer, am I audible and visible to all of you my dear friends? If am I audible, write in the comment section, yes sir you are audible.

तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू नो देखिए साइंस टेक से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बट उसको समझने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं यू नो यू थ्योरी वगैरह है वो आपको एन सी आर टी बुक से ही मिलेगी ठीक है तो आज एन सी आर टी बुक के सीरीज में मुश्किल से दो तीन और क्लासेस होंगी उसके बाद जो है ये सेशन एंड हो जाएगा ओ नो उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा ठीक है आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन से माई डियर फ्रेंड्स यस 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 शुरुआत करते हैं आज का सेशन थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि एन सी आर की परस्पेक्टिव से मुझे पता चलना चाहिए मैं क्या देख रहा हूँ इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस चैप्टर्स uh, में क्या इम्पॉर्टेंट है ठीक है आज दो चैप्टर्स होंगे इस सेशन में ठीक है चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर एट कौन कौन से होंगे चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर एट माई डियर फ्रेंड सो प्लीज़ बी मोर फोकस हेयर सो प्लीज़ बी मोर फोकस हेयर माई डियर फ्रेंड टूडे आई विल टेक अयर सेवन एंड एट ओके सो लेट्स क्रैक यू पी एस सी एस दिस सेशन इज गोइंग टू प्रजेंटेड बाई मी एंड एन एंड 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 My name is Sanjay Kumar Most of the students who call me as a and a password from Delhi. we have six plus year teaching experience in the field of the UPSC as well as in the state PCS, but I have lots of experience in the only and most direction in the UPSC. Okay. So if you are very serious, you if you are very serious, but my I, I'm talking about right now. I'm talking about here the on this. Subtiple uh, about first point. Please subscribe this YouTube channel as uh, so a first, Please subscribe this YouTube channel. इफ़ यू विल सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल यू विल गेट अ रेगुलरली नोटिफाई ओके सो यू लॉ वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल लेट्स क्राइप यू पी एस सी एस सी ओके माई डी फ्रेंड फाइट टॉक्स वर्थ थाडमी अकेडमी इज अंडिया लार्जस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बट मैं कैसे देखता हूँ इसे अन अकेडमी इज अ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर क्लास दिया है लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पता रियलाइज हुआ जैसे आप YouTube पे बहुत सारी क्लासेस फ्री में लेते हो तो वहाँ भी वो क्लासेस ले सकते हो फ्री में ठीक है बट वहाँ पे आपको ऐड वगैरह नहीं मिलता यहाँ पे कई बार आपको ऐड मिलता है यहाँ पे कई बार आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है बट वहाँ पे ऐसा नहीं है ठीक है ना बड़ा स्मूथ वे में यू कैन टेक द क्लासेज और अगर तो जैसे उसी प्रकार आपको वहाँ पर अगर गेट सब्सक्रिप्शन की बात करूँ वहाँ पर तो अन अकेडमी की अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्री क्लासेज के साथ साथ आप चाहते हो कि मुझे नोट्स चाहिए असाइनमेंट चाहिए होमवर्क चाहिए मुझे आंसर राइटिंग परफॉर्मेंस उसके लिए आपको अन अकेडमी का एक एक अपर एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्लस और आइकॉनिक कह सकते हो आप वो ले सकते हो क्लियर एंड देखिए अन अकेडमी पर भी आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्सेज करने को मौका मिलता है और साथ में कंटेंट के नाम पे आपको टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं यू नो उसके बाद आप इन चीज़ों को आप अनलिमिटेड एक्सेस भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम यू कैन डू एक्सेस या नो यू कैन एक्सेस या जितना मर्जी करें उतना टाइम आप एक्सेस कर सकते हो ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है इट मीनस वाई डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया के जितने भी बेस्ट से बेस्ट टॉप इस कंट्री के एजुकेटेड हैं सभी लोग आपके लिए अवेलेबल है दे ऑल आर मेकिंग यो ऑशम कंटेंट फॉर यू ओके सो इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू कैन ज्वाइन ओके अगर आप सीरियस हो तो आपके लिए वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ किन और नहीं करना चैप्टर हाँ 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 बेटा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में भी लेकर क्या आऊंगा आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं इसकी टेंशन मत लीजिएगा ठीक है ना उसके बाद हंड्रेड प्लस गुर्जर मुन्ल पटित प्रकाश कुमार आयुष दीज आर द टॉप एजुकेटर इंक्लूडिंग मी यू ऑल आर टेकिंग द लाइव क्लासेस ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपको इसी प्रकार आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस अन अकेडमी पर मिलता है देखिए आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है पता है आप यू एग्जाम की तैयारी करोगे एन सी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको मिलेगा देखिए प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी भी मिलेगा वहाँ पर है ना तो दिस इज तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना अगर आप में सीरियस हो तो आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से आप कर सकते हो यू नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है न करंट अफेयर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखो माय डियर फ्रेंड्स ओके 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 सर साउंड बेटा ओके ओके बता दूंगा बता दूंगा आप टेंशन मत लीजिए सारी चीज़ें इसी में चलती रहेंगी देखिए हमारा ये सेशन मैं एन सी आर टी लेवल से कर रहा हूँ ठीक है ना और आज मैं सेवेंथ और तो एट्थ टॉपिक को कम्प्लीट करूँगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिलेगा मेरे क्लास में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट करा दूंगा चैप्टर हम लोग सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे इसकी पी मैं अपने टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा क्लियर है टेलीग्राम पर मिल जाएगा और हम लोग साथ में एम भी करेंगे जिससे कि आपकी लर्निंग में एक बेहतर एनहेंस uh, हो सके यू you नो know? बहुत अच्छा हो सके क्लियर है ठीक है ना सर मैं आपका क्लास लाइव अटेंड uh, इज लाइव नहीं कर पाता हूं क्योंकि सुनील सिंह अभिव्यक्ति सर की क्लास में लाइव आ जाता हूँ ओके okay, बेटा ध्रुव झा बट कोशिश करे रहे सर प्लीज़ हेल्प यस यस सो so, अहिद खान ओके okay. सो so, अगर मैं बात करूँ जो भी स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि मुझे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है सब कुछ मिले सर का पर्सनल गाइडेंस मिले तो आप सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर में थर्टी सिक्स मंथ में के अकॉर्डिंग टू एडमिशन ले सकते हो यही फ़ीस ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा है अब ध्यान एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख एक लाख सत्तर हज़ार दो लाख पच्चीस हज़ार तक फीस है ऑफ केवल केवल ऑफलाइन में ऑप्शनल ऑप्शनल करने के लिए पचास हज़ार साठ हज़ार फीस है आप चेक कर लेना ठीक है फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड बट आपको इतने में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगा बट वहाँ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एजुकेटर और अच्छे क्वालिटी लेवल के मिल जाएंगे इसलिए आपको इतना एग्जापुर तो कोड आपको यूज करना है यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आइकॉनिक में भी आप कोड को यूज करोगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आइकॉनिक प्लस से किस प्रकार डिफरेंट है है ना हाउ द आइकॉनिक इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्लस प्लस इन द आइकॉनिक यू विल गेट द पर्सनल कोच एंड यू विल राइट द मेन्स क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस

पूरा सिलेबस पूरा करा दो सर प्लीज ओके बेटा देखिए मैं आपको बता दूं मैं साइंस टेक में अगर मैंने हाथ लगाया है साइंस टेक में ठीक है ना तो एग्जाम तक चलता रहेगा और बीच में कभी कभी सुनो सुनो बीच में इस बिटवीन में कभी कभी मैं आपका मैराथन सेशन भी लूँगा जो मैं देखिए अभी हम लोग सिक्स क्लास के एन कर रहे हैं ठीक है ना यानी तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि डेली थ्री थर्टी पी एम में डेली थ्री थर्टी पी एम में डेली डेली नहीं तो मिनिमम मेरा फोर डे कितने डे फोर डेज कितने बच्चे मेरी इस बातों से एग्री हैं फोर डेज या फाइव डेज मैं एन सीरीज को ले लूँ ताकि एन का सीरीज मैं चाहूँ तो फिफ्टींथ अप्रैल तक कब तक फिफ्टीथ अप्रैल तक आपका एन सीरीज बूस्टर साइंस टेक का आपका ख़त्म हो जाए क्लियर आएगा फिफ्टींथ अप्रैल तक मैं ऐसा सोच रहा हूँ डेली है ना चाहे सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ और टेंथ कुछ टॉपिक टॉपिकलेवेंथ ट्वेल्थ के रह जाएंगे वो करा दूंगा ठीक है ना उसके बाद जो आपका जो इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी ठीक है उन सभी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि ये चीज़ पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है इसलिए इसमें आप सभी लोगों का प्रेजेंस जरूर चाहिए ठीक है ना हा, हाँ हिंदी मीडियम में अच्छा सुनो हिंदी मीडियम के बच्चे मैं हिंदी चैनल पर जब भी आऊँगा तो मैं सुबह में आऊंगा और मैं काफी लॉन्ग आर्स की क्लासेस ले लूँगा अभी मैं आपको चैप्टर एट पढ़ा दूँ मेरे सामने ठीक है ना चैप्टर एट चैप्टर सेवन में कुछ मिस्टेक हो गया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ उसको सही कर रहा है ठीक है ना तो बॉडी मूवमेंट करेंगे ठीक है ना गेटिंग नो प्लान्स इससे पहले एक चैप्टर सेवन होगा पहले हमें वो पढ़ाना था बट मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ इसके बाद मैं आपको चैप्टर सेवन पढ़ा दूंगा वो भी अभी पढ़ाऊंगा ठीक है ना ऐसा नहीं है कि क्लास में ठीक है ना तो चलिए क्या आप सभी लोग रेडी हैं बॉडी मूवमेंट देखिए दो वर्ड्स हैं मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या आप सभी लोग रेडी हैं इफ़ यू आर रेडी इफ आई एम ऑडेबल टू वर्क फ्रॉम इफ एम आई ऑर्डेबल टू ऑल ऑफ यू राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर एंड इफ़ यू आर रेडी राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर आई एम रेडी आई डियर फ्रेंड्स ये टॉपिक है बॉडी मूवमेंट अगर मैं इस टॉपिक को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं फ्रेंड्स एक होता है मूवमेंट्स ध्यान रखिएगा मैं आपको उसमें कोशिश करता हूं देखिए एक होता है यहां पे मूवमेंट्स एक होता है आपको लोको मोशन क्या होता है एक होता है आपका लोको मोशन ठीक है एक होता है आपका लोको मोशन आखिर मूवमेंट का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ द मूवेंट्स वट इज द मीनिंग ऑफ द मूवेंट्स यू नो क्या है मूवमेंट क्या आप मूवमेंट के अकॉर्डिंग से आप क्या समझते हो अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द मूवमेंट इस मूवमेंट का मतलब क्या होता है लोकोमोशन का मतलब क्या होता है देखिए माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं अगर आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मूवमेंट्स का मतलब होता है मूवमेंट्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब आप मूव करते हो किसी भी चीज़ को मूव करते हो तो इसका मतलब विदाउट चेंज इन पोजिशन विदाउट चेंज इन पोजिशन क्या आप सभी को आप वॉइस आ रही है पीछे बैकग्राउंड से ओके okay. हाँ ये क्लास यहाँ पर इंग्लिश में होगी अगर आप हिंदी मीडियम में क्लास चाहिए तो मैं आपको उस वाले चैनल पर आके पढ़ाऊँ लेकिन अभी आप इंग्लिश में पढ़ लो ठीक है समझो ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्ट होगा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी मूवमेंट का मतलब होता है विदाउट चेंज इन पोजिशन किसी भी चीज़ के पोजिशन को जब आप मूवमेंट करते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता बट लोकोमेशन लोकोमोशन का मतलब होता है इसमें चेंजिंग इन पोजिशन इसका मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स चेंजिंग इन पोजिशन चेंजिंग इन पोजिशन चेंजिंग इन position, जैसे मैं बात करूँ जैसे मूवमेंट है जैसे मूवमेंट है ठीक है ना अगर मान के चलो कि अगर मान के चलो मुझे फोन पे बात करना है मैं फोन पे बात कर रहा हूँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना चाहे मान के चलो ऐसे खांस रहा हूँ आ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ठीक है ना चाहे मान के चलो मैं अपने सामने वाले आइटम को देख रहा हूँ कोई मूवेंट नहीं हो रहा है ठीक है, है ना समझ मार ही नहीं लेकिन अगर मैं वॉक कर रहा हूँ अगर मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है लोको मोशन हो रहा है यू नो चल अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है वो मोशन हो रहा है अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है लोको मोशन हो रहा है दिस इज द क्लियर दिस इज द क्लियर या नाउ ओके तो अब सुनो ध्यान से माय डियर इसी में हमें यही सब चीज़ों को समझना है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके यूपीएससी पी एस सी के दृष्टिकोण से मुझे क्या इम्पॉर्टेंट लगा और यूपीएससी में जो है फिलिम्स की पर्सपेक्टिव से देखूँ चाहे मेंस की पर्सपेक्टिव से देखूँ मैं आपको वही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जिसके पास बुक नहीं है प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस बुक ओके आई विल Uh, send this PDF I will send the whole ppt PDF, PDF on this Telegram link so please let's see here the uh, please see uh, this Telegram link and join this Telegram link okay so please so now you can see यू so my dear friends डियर फ्रेंड्स इसमें हम सभी लोग एक बार जानने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके जानने की कोशिश करें कि इसमें किस अप्रोच से हम लोग को समझना है और क्या क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें बॉडी मूवमेंट्स में हमें हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा जो रोल निभाता है बॉडी इस चैप्टर्स में वो है हमारा ज्वाइंट वो क्या है हमारा ज्वाइंट तो हम लोग इस ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना चाहे ह्यूम्स की हो चाहे चाहे हम लोगों का हो चाहे एनिमल्स का हो ठीक है तो हम इन सभी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इसलिए थोड़ी सी देर लॉन्ग होगी लेकिन हम लोग आराम आराम स्लोली वाइज पढ़ते होते रहेंगे ठीक है ना तो ओके सो यू ऑल आर वेरी वेरी सीरियस नाउ यू कैन सी हेयर माई डियर फ्रेंड्स ओके देखिए अब आप आराम से देखते चलिए इन सेशन को बेहतर तरीके से आराम से देखना है, ठीक है ना देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश क्या क्या कर रहा हूँ इसके परस्पेक्टिव देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है माई डियर फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पर इस इसको देख पा रहे होंगे ठीक है ना आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे ना आप इस पिक्चर को देखिए आप इस पिक्चर को देखिए और मैं यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ है ना आप इस पिक्चर को देखिए 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 आई कैन यू बेंड योर है क्या ये अपने आर्म को बेंड कर सकता है क्या अपने आर्म को ये घुमा सकता है क्योंकि सपोज दैट आप एज्यूम करो मान के चलो आपके हाथ है और आपके हाथों में कुछ इस तरीके से बांध दिया गया तो आप बेंड नहीं कर सकते ना कुछ बेंड तो नहीं कर सकते ना लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए माई डियर फ्रेंड्स यू कैन सीअर देखिए अब मैं आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछूंगा ठीक है किसको किसको कैसे रिटोट किया जा रहा है थोड़ा सा धीरे धीरे तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरीके से सोचेंगे है ना तो थोड़ा सा मैं समझ पाऊंगा कि आपका और मेरा सेंस अच्छा रहेगा ठीक है ना हाँ ओके नाउ फाइन देखिए जैसे कि देखिए रोटेट कम्प्लीटली क्या आप अपने नेक को रोटेट कर सकते हो घुमा सकते हो कम्प्लीटली आप अपने गर्दन को क्या रोटेट घुमा सकते हो कम्प्लीट बिल्कुल यस देखिए हम लोग तो घुमा पा रहे कि नहीं घुमा पा रहे कंप्लीटली कंप्लीटली घुमा पा रहे कि नहीं घुमा पा रहे है ना उसी प्रकार क्या रिस्ट को घुमा सकते हो फिंगर को क्या कर सकते हो नी को क्या कर सकते हो एंकल को टोई को बैक हेड एल्बो आर्म दीज आर द थिंग्स इसमें जो जो इसका आंसर्स होगा असर आपको बताने थे ठीक है ना बट हमें इसमें ये भी नहीं इंपॉर्टेंट हमें इंपॉर्टेंट है हमारे देखिए अब मैं आपको बताऊंगा बॉल सॉकेट एंड ज्वाइंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल सॉकेट एंड ज्वाइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स देखिए ये एक ज्वाइंट्स कौन सा जॉइंट्स होते हैं उसके बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे प्राइवेटल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे फिथ्थ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे हिंज ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जितनी भी ज्वाइंट्स हैं सभी ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में ठीक है तो यहाँ से एक तरीके से आपका बायोलॉजी का पार्ट भी स्टार्ट हो सकता है हो जाता है ठीक है ना अब देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं किस प्रकार आपके सामने देख रहा है मेकिंग अ बॉल अगर आप इस तरीके अगर आप बॉल को देखेंगे एंड सॉकेट ज्वाइंट को देखेंगे तो जिस प्रकार एक सॉकेट होता है और एक उसके अंदर कोई बॉल होती है जब आप उसको एक तरीके से रोटेट करते हो तो वो क्या होती है उसके ऊपर इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है आप नोटिस करो रोटेट कर रहा होता है कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है रोटेट कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है उसी प्रकार माई डियर फ्रेंड्स हमारे बॉडी में ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की तरह वर्क करते हैं आपने देखा होगा अक्सर जो आपके फैमिली मेम्बर्स में जो ओल्ड लेडी uh, चाहे ओल्ड मैन होते हैं ठीक है चाहे हमारे चाहे दादाजी हों चाहे हमारे घर में कोई भी हो ठीक है ना कोई भी हो तो उनको एक समय आने के बाद उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। होती है कि नहीं होती क्यों क्योंकि उनको जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का जो ये वाला जो पार्ट होता है ना या ये वाला यहाँ भी एक यहाँ भी लगा होता है ठीक है ना इससे क्या होते हैं उनको जो है ना प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है तो देखिए वैसे देखिए आप क्या करिए देखिए ध्यान देखिए यू कैन अल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल इज द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इन साइड द बॉल इज द पेपर सिलेंडर अल्सो रोटेटिंग नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज एंड द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर विच योर आर्म इज ज्वाइन द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर विच योर आर्म इज योर ज्वाइंट द राउंड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इंटू द कैविटी कैविटी मतलब क्या होलो स्पेस यू नो कैविटी का मतलब जो उसके आस पास क्या होता है वो होलो स्पेस ओके okay? जो काफी नाउ एंड ऑफ द अदर बोन सच अ ज्वाइंट अलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन कैन यू नेम अदर सच ज्वाइंट यू कैन थिंक ऑफ रिक्लेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राई एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर्किंग लाइक दिस यू कंसिडर इसमें अब आता है एक आपका आता है पाइवेटल ज्वाइंट देखिए पाइवेटल ज्वाइंट क्या होता है फ्रेंड्स ये पाइवेटल ज्वाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मतलब कि मैं आपको समझा जो आपका जो गर्दन का जो एरिया होता है ना जो नेक का एरिया होता है जो आपकी गर्दन जो चाहे नेक का एरिया होता है जय हिंद बेटा जय हिंद ठीक है ना अभी हम लोग प्रीविय अभी हम लोग इसमें एम सी क्यू क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है ना एम सी क्यू क्वेश्चन भी करेंगे ये पॉर्वेटल ज्वाइंट मेनली आपका नेक ज्वाइंट में आता है नेक ज्वाइंट देड इज पावेटल ज्वाइंट नेक ज्वाइंट दैड इज पावेटल ज्वाइंट पाइवेटल ज्वाइंट कहाँ होता है नेक में होता है ठीक है आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट आप अपने आपके हेड जो है आप जिसकी वजह से आप चाहे लेफ्ट चाहे राइट चाहे लेफ्ट चाहे राइट चाहे आप इसका कुछ भी आप कर पाते हो तो बिकॉज आप कौन से ज्वाइंट है हमारे नेक में कौन सा ज्वाइंट है तो so, याद रखिएगा कौन सा ज्वाइंट है पाइवेटल ज्वाइंट है यू नो पाइवेटल ज्वाइंट यस पूनम गौतम निशा कुमारी अनु भारती दीपक कुमार डॉली सागरिका इज एवरी फाइन दीपक कुमार एनी वन एनी प्रॉब्लम नाउ एंड ट्राई दिज मूमेंट हाउ आर दिज मूमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल ओके इन इट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन अ अटल ज्वाइंट

अब जो आप अपने डोर को जो ओपन करते हो अब जो आप अपने डोर को जो ओपन करते हो तो क्या आपका डोर रोटेट हो जाता है क्या ऐसा तो नहीं है क्या आपका डोर रोटेट हो जाता है क्या ऐसा डोर है कि आपका डोर जो है क्या आप मतलब जब ओपन करते हो तो इधर भी और उधर भी हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता देखिए ऐसा नहीं होता है ना किसी एक ही साइड सपोज दैट मान लो कि ये आपका ये आपका मान लो सपोज दैट मान लो मैं आपको यहाँ बता दूँ है ना देखिए सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए ये आपका मान लीजिए कि आपका मान लीजिए घर है यह अपने घर ली घर है ना ये आपका ये आपका, ये आपका गेट है ये आपका गेट है ये आपका गेट है तो आप या तो आप इस गेट को आप ऐसे खोलोगे फिर ऐसे करोगे तो ये हिंज ज्वाइंट समथिंग लाइक दिस ये ऐसा ही होता है यानी कि किसी भी एक ओर में है ना हिंज ज्वाइंट का मतलब होता है कि ओनली वन डायरेक्शन है ना हिंज ज्वाइंट का मतलब होता है इन ओनली वन डायरेक्शन क्या होगा ओनली वन यानी किसी भी चीज़ को आप एक ही डायरेक्शन में जब आप करते हो तो वो होता है आपका हिंज ज्वाइंट का पार्ट होता है जैसे आप अपने मेरे हाथ को देखिए आप सभी मेरे हाथों को देख पा रहे हैं क्या आप सभी लोग मेरे हैंड को देख पा रहे हो मैं हाँ टू आर एम द मुझे मेरे हैंड को देख पा रहे हैं मेरे हैंड को देख पा रहे हैं अब देखो आप अपने हैंड को बड़े ईजी तौर पर ऐसे मैं कर सकता हूँ बड़े ईजी तौर पर मैं ऐसे कर सकता हूँ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ यू कैन सी देखिए अब मेरे बॉडी को मत देखना मैं बहुत दुबला पतला इंसान हूँ ठीक है ना परिवार की बहुत टेंशन है बीवी बच्चों का बहुत टेंशन होता है ठीक है दो चार बीवी है सब खा कर जाती मेरे को मार पीट के देखिए क्लियर है देखिए ये हो रहा है लेकिन अगर मान के चलो मैं अपने हैंड वर्थ में अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा और नीचे इसको क्या मैं नीचे के सेट कर सकता हूँ क्या मैं इसको नीचे की सेट कर सकता हूँ नहीं नीचे के सेट कर सकता हूँ तो, तो दिस इज़ कॉल्ड द हिंज ज्वाइंट ये आपके हिंज ज्वाइंट की वजह से होता है ना उसी प्रकार आपका लेग है आपका लेग है अगर मैं आपको अपना लेग दिखाने की कोशिश करूँ तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा मैं नहीं दिखा पाऊंगा ठीक है ना है ना तो आपका हेड है लेग है आप अपने लेग को बड़े ही आसानी से आप आप इस तरीके से आपसे अंडाउंस कर सकते हो आप देख नहीं पा रहे होंगे ठीक है ना कर सकते हो है ना हाँ

नेक्स्ट टाइम है डियर फ्रेंड्स आपका फिक्सड ज्वाइंट नेक्स्ट क्या है आपका ये क्या है आपका फिक्स्ड ज्वाइंट देखिए हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में जो हमारे जो आ, है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिक्स्ड ज्वाइंट होती है जैसे हमारा हेड है हमारे हेड है तो हमारे हेड में बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो बिल्कुल फिट है जो बहुत सारी क्या है ये जॉइंट फिट है ये क्या? समझ में आ रही है माई डी एयरफ्रेंस ये क्या है ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा फिट है देखिए देयर आर सब फिक्स्ड अब आपसे पूछा जाएगा फिक्स्ड ज्वाइंट कहाँ होते हैं देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर ज्वाइंट टूगेदर एट समूव एट आर कॉल्ड ज्वाइंट क्लियर माइ डियर फ्रेंड्स आप चाहो तो आप आप चाहो तो आप एक फिक्स ज्वाइंट करके एक रनिंग हैंड रिटर्न नोट्स भी बना सकते हो यू नो रनिंग हैंड रिटर्न नोट्स भी बना सकते हो क्लियर उसके बाद

फिक्स च्वाइं या आपका किस रिलेटेड है नाउ यू कैन से अब उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन स्केल्टन के लेकर बात करते हैं क्लियर ह्यूमन स्केल्टन के लेकर के बात करते हैं, कर, करते हैं। ये महापोचको इंसान है ये ढोको लोलो इंसान है ये ढोको लोलो इंसान है नाम भी है टेक्निकल और काम भी कर रहा है टेक्निकल है ना बोले तुम्हारा नाम है टेक्निकल लेकिन तुम टेक्निकली सोच नहीं पा रहे हो नहीं बेटा सोच लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो फ्रेंड्स पढ़ लो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम फालतू की चीज़ों को सोचो ठीक है ना इधर देख बेटा टेक्निकल देख लो ये स्केल्टन है अगर तुम्हें स्केल्टन को अच्छे तरीके से तुम्हें अगर देखना हो तो तुम जा करके आज अपना आज एक्सरे कर लेना ठीक है ना आज एक्सरे कर लेना ठीक है ना देख लेना अंदर और बाहर तुम्हारे अंदर क्या क्या है ठीक है ना अंदर की चीज़ें कैसे दिखती हैं बाहर की चीज़ें कैसे दिखती है व्हाट इज अ फाउंडेशन कोर्स ऑफ यूपीएससी बेटा रोहन अग्रवाल स्टार्ट हो चुका है आप अनअकैडमी का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अब जहाँ पर आप कोड लिखा होगा वहाँ पर आप एसके एस टेन कोड डाउनलोड कर लेना या तो मुझे ऑन कॉल कर लेना इफ़ यू आर ग्र ग्रेजुएट यू कैन कॉल मी आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट अब देखिए मैं जब आप एक्सरे करते हो ठीक है जब आप एक्सरे करते हो तो एक्सरे करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देता है ना एक्सरे इमेजेज ऑफ एंकल एंड द नी जॉइंट्स है ना अब देखना इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं हमें जो समझना है ये द रिब केच द केज द केज के बारे में आपको पढ़ना है देखें इसमें देखना बड़े ही ध्यान से देखना माई डियर फ्रेंस बड़े ध्यान से देखना इसमें इसमें देखना जो आपका जो ज्वाइंट द ज्वाइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स दिस इज कॉल्ड द केज रिवकेज केज क्या होता है जो आपके बैक बोन को जो आपका बैक जो पीछे की हड्डी होती है और आगे की जो आपके अंदर जो हड्डियाँ जो दिखाई देती है इनको और इनको जो ज्वाइंट करने का जो काम करता है वो क्या होता है वो आपका रिब केज होता है ठीक है ना कितने रिब केज और देखिए इस रिब केज में जो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट इसमें ये ट्वेल्व होते हैं कितने होते हैं फ्रेंड्स ये ट्वेल्व होते हैं कितने होते हैं ट्वेल्स होते हैं ये भी आपका एक्सप्लेन किया होगा कहीं मैं आपको बताता हूँ अगर इसमें नहीं एक्सप्लेन किया है तो आप समझ जाइए मेरे को मैं आपको बता रहा है ना कहीं एक्सप्लेन तो किया गया होगा मैं एक बार देख के बताता हूँ कहीं ना कहीं एक्सप्लेन तो किया गया होगा है ना कहीं एक्सप्लेन तो किया गया इसमें नहीं किया है क्या कहीं किया गया होगा है ना नहीं किया है ना चलिए देखिए ये है आपका बैकबोन जो आपका बैकबोन है 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 बैकबोन का सेप इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक देखिए काट यू फील इन इज बैक बोन इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन द रिब केज इज टू दिस बोन अभी बताए ना रिब केज जो होता है आपके पीछे के बैकबोन से क्या होते हैं वो आपके कनेक्टेड होते हैं वो चीज़ें क्या होती है आपके कनेक्टेड होती है ओके माई डियर फ्रेंड इज इट ओके यस येस केज तो रिव केज इज कनेक्टेड विथ योर चेस्ट बोन एंड विथ योर बैक बोन ओके और टोटल कितने केज होते हैं माइडियर इसके अंदर जो बोन्स होते हैं ये बोले कितने देखिए वन देखिए आप काउंट करोगे तो ट्वेल्व होगा देखिए वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन इलेवन ट्वेल्व हो रहा है ना ट्वेल्व ये टोटल ट्वेल्व से तो ध्यान रखना है ना ये टोटल ट्वेल्व से लिख लो राइट डाउन कर लो इसमें कही देखिए नेक्स्ट अभी लिखा हुआ दिखा नहीं मेरे को है ना कहीं देखिए नेक्स्ट है आपका शोल्डर बोन नेक्स्ट है आपका शोल्डर बोन ओके देखिए शोल्डर बोन में क्या कहते हैं देखिए शोल्डर बोन ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ द पेल्विक बोन एंड दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमैक दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिट ऑन एंड नाउ पेल्विक देखिए ये है आपका पेल्विक बोन पैल्विक बोन का पार्ट क्या होता है द स्कल इज मेड ऑफ द मेनी बोन्स जॉइंट इस पेल्विक बोन पेल्विक बोन जो आपका जो बोन होता है दिज आर द कॉल्ड पेल्विक बोन ओके एंड यू कैन सी देयर माई डियर फ्रेंड्स ठीक है ना जो आपका एक तरीके से जो जॉइंट का जो पॉइंट होता है ठीक है ना वही आपका पैल्विक बोन कहलाता है जो बहुत ही ईजी वे में यू कैन सी देयर ओके नाउ यस शोल्डर वाला भी हो गया पेल्विक बोन भी मैंने आपको बता दिया पेल्विक बोन जो आपका नीचे का एरिया होता है जो आपके सबसे नीचे के एरिया जिसको आप दिखाते हुए आपको शर्म आती है ठीक है ना वो होता है आपका पेल्विक बोन ओके ये वाला बोन देखिए नेक्स्ट है आपका इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन ये वाला ये आपका इसमें आ गया हम लोग आगे आ गए ठीक है ना स्कल में आ गए स्कल 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 ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट को इस तरीके से ढक के रखता है देखो अगर आपको सारी चीज़ हटा दिया जाए तो आप ऐसे देखे जाओगे ठीक है ना अब हमें इंपॉर्टेंट इसमें नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज कार्टिलेज देखिए ज the as as be जिसको आप, आप बड़े ही आसानी से बेंड कर सकते हो उसको हम कहते हैं कार्टिलेज क्या कहते हैं कार्टिलेज जैसे आपकी कान है आप देख सकते हो जो आपका कान है यस बिलो द स्टमक यस डॉली का बात है सर ये बुक कौन सी क्लास की बेटा ध्रुव जा मैं आपको सिक्स क्लास की पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग सेवन्थ में जाएंगे एटथ में जाएंगे यहीं से आपको बेसिक्स देखिए मेनली सिक्स क्लास में जो है ना आपके वर्ड को जानना है, है ना जैसे स्केल्टन क्या है पाइवेटल ज्वाइंट क्या है बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा बताओ पाइवेटल ज्वाइंट का मतलब क्या है बताइए मैंने अभी बताया था ना हिंज ज्वाइंट किसको कहते हैं फिक्स ज्वाइंट का मतलब क्या है तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए है ना स्कैल्टन का मतलब क्या है केज का मतलब क्या है तो मेनली जो सिक्स क्लास में है ना उसको मतलब कि जो जो वर्ड है ना उसको एक्सप्लेन किया गया है तभी मैं थोड़ा सा आपको कभी क्या फास्ट में पढ़ाता हूँ कभी कुछ चीज़ों को मैं केवल डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ उनको मैं कई बार डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जो हम लोगों का जो मेन जो स्टडी होगा ना साइंस टेप में वो सेवन्थ क्लास से होगा लेकिन सिक्स क्लास से इंटरलिंक होगा क्लियर इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं ना वो आप प्लीज़ बी सीरियस ओके प्लीज़ बी सीरियस ठीक है ना सिक्स क्लास की है ओके सिक्स क्लास की है ठीक है अब ध्यान से देखिए तो ये जो है ना आपका ये ना कार्टिलेज है कार्टिलेज का मतलब होता है जो आपका मान लो कि ये कान है देखो ये कान अब इस कान में जैसे मर्जी चाहोगे वैसे मर्जी बड़े आसानी से आप बेंड कर दोगे बड़े अपने नाक को भी बड़े आसानी से बेंड कर दोगे देखो नाक को बेंड करके देखो किसी भी चीज़ को बड़े आसानी से जब मर्जी किया तब किसी का कान पकड़ के खींच लो ये सब क्या क्यों करते हो क्योंकि वो कार्टिलेज जिसको आप आसानी तरीके से बेंड कर सकते हो ठीक है ना देख सकते हो ना ईयर लोब एंड द पोर्शन अब इट फिगर यू कैन सी ईयर देख सकते हो अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज कार्टिलेज द ईयर लोब देखिए देख सकते हो देख सकते हो कितने आसान तरीके से कार्टिलेज इज आप इन दार्ड एज बोनलेज कार्टिलेज इज ऑल्सो फॉन्ड इन द्वारा बॉडी आपके एग्जामज के बोलिए कार्टिलेज आपके बॉडी के जो अलग अलग ज्वाइंट होते हैं वहां भी फोन्ड होते हैं मिलते हैं ठीक है ठीक है थी? ना

द मसल बल्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन इट बिकम्स द स्मॉलर इन लेंथ नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन व्हाट हैपन टू दिस मसल इज इट स्टिल कंट्रैक्टेड यू कैन मसल एंड बोन्स के रिलेटेड दिस इज द थिंग्स येस यस सर साइंस टेक की एन सी आर टी कौन सी क्लास तक पढ़नी चाहिए बेटा टेंथ तक पढ़ना चाहिए इलेवन ट्वेल्थ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए मसल्स जो है मसल्स क्या करते हैं देखिए when contracted the muscle becomes shorter shifted and thicker it pulls the bone muscles work in pairs when one of them contracts the bone is pulled in that direction the other muscles of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position while the first relaxes a muscles can only pull it cannot थस था टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है बताओ इसको क्या समझने की ज़रूरत है ना बहुत सिंपल अप्रोच है ना बहुत इजी तरीके से आराम से समझिए ठीक है ना आराम से अब देखिए मैडम अब मैं बात करता हूँ आपको कुछ एनिमल्स को लेकर के है ना एनिमल्स में किस प्रकार के बोन्स होते हैं किस प्रकार के क्या होते हैं कैसे वो करते हैं तो एनिमल्स के बारे में भी हमें जानना चाहिए उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो जाएगा फिनिश हम लोग उसके बाद करेंगे एम सी यू क्यू फिर होगा हमारा सेवेंथ चैप्टर्स होगा ठीक है ना फिर हमारा होगा एम सी क्यों देखेंगे कि कौन बच्चा कितना जल्दी कितना क्विकली आंसर्स देता है इज इट ओके इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स नाउ तो फर्स्ट है आपका अर्थवॉम अर्थवॉम को किसने देखा है अर्थवॉर्म को देखा है अर्थवॉम को देखा है देखिए अर्थवॉर्म जो है कई बार आपने देखा होगा उसको मूव करते हुए वो शोएल में मूव करते हैं बेसिकली इन द गार्डन इन द फील्ड है ना जहाँ भी देखो अर्थवॉम मूविंग ऑन अ ऑनल इन अ गार्डन क्या आपने कोशिश किया है कि ये किस तरीके से मूव करते हैं ये किस तरीके से मूव करते हैं ये किस तरीके से मूव करते हैं बेसिकली जो ये जो अर्थवॉर्म है ना माइड्रिय अर्थवॉर्म का जो मेनली जो इसकी जो बॉडी का जो शेप होता है बॉडी का जो शेप होता है माइड्रिय फ्रेंड्स ठीक है ना ये द बॉडी ऑफ एन अर्थव इज मेड अप ऑफ मेनी रेंजेस ज्वाइंट्स एंड टू एंड एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स इसके पास बोन्स नहीं होते हैं आपने देखा अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म देखा हो तो केचुआ कहते हैं ना इनके पास कोई बोन नहीं होता ये रिब केज केजेस के, के थ्रू ये ज्वाइनिंग दिस थिंग्स ओके नाउ उसके बाद आगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें इसका बोन नहीं होता बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना था इसमें उसके बाद है आपका स्नेल स्नेल स्नेल, स्नेल में देखिए कलेक्ट स्नेल फ्रॉम अ गार्डन हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर द दैरिज इन अ बॉक्स दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल आउटर स्केलेटन याद रखो बट इज नॉट मेड ऑफ बोन ये भी बोन से नहीं बना होता है ठीक है ना द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट हैज टू बी ड्रेज अलॉन्ग यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको राइट डाउन कर लो स्क्रीन शॉट ले लो या आप अपने नोट्स पर कर लेना ठीक है ना वेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुल लिफ्ट इन द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड ऑब्जर्व द मूवमेंट फ्रॉम दी हेड ये सब कोई जरूरी नहीं है ठीक है ना कोई जरूरी नहीं है ठीक है नेक्स्ट काक्रोच में क्या हमें देखना है देखिए कॉकरोच का आपको पता होगा कॉकरोच का जो अपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है स्ट्रांग होता है वो क्या होता है स्ट्रांग होता है अर्थ अर्थवा देखिए कॉकरोच वॉक एंड क्लेम ये वॉक भी कर सकता है क्लेम भी करता है आपने कई बार अपने घर में देखा होगा कई लोगों ने देखा होगा है ना ये एयर में फ्लाई भी करते हैं दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग कितने पेयर्स ऑफ लेग होते हैं थ्री पेयर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा बड़ा बारीकी से पढ़ना यूपीएससी कई बार एनसीईआरटी पता है ना इस बार भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था सेवन क्लास के एनसीईआरटी से बारीकी से पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स आराम से पढ़िएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री पेयर्स है बराई ही क्लियरली होके पढ़ना बी फोकस होकर के पढ़ना क्लियर फोकस होकर के पढ़ना क्लियर क्लियर थ्री पेयर्स होते हैं जरा ध्यान से पढ़ना ठीक है honestly, ना थ्री पेयर्स होते हैं बड़ा ऑनेस्टली नोट डाउन कर लेना हाँ जी जिसको घोंगा कहते हैं गेंगा कहते हैं क्लियर क्लियर द बॉडी इज कवर्ड विदार्ड ऑटर स्केल टेन हार्ड ऑटर स्केल टेन है ना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके पास तीन पेयर होते हैं और हार्ड ऑर्टर स्केल इज मेड ऑफ द डिफरेंट यूनिटर एंडमेंट अभी मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं भी यहीं से पूछूंगा ध्यान रखिएगा मैं भी अभी यहीं से पूछूंगा क्लियर एंड देर आर टू पेयर ऑफ द विंग्स अटैचेड टू द ब्रेस्ट ब्रेस्ट एंड द कॉक्रोचेज है लेग्स मूव

वो उड़ करके कई बार आपका आसमान में आपको कई एक जगह ही कई बार आपको दिखाई देगा एक ही जगह सही वे में एक चक्कर काट रहा होता है या अप्स एंड डाउन्स होता है क्योंकि उनके लिए वेल सूटेड है ओके नाउ देयर बोन्स आर हेलो एंड लाइट द बोन्स ऑफ द हैंड द बोन्स ऑफ द हैंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड ट्रचिंग द ओके द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिमिक्स एंड आर विंग द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रांग शोल्डर देखिए इसके शोल्डर बोन्स क्या होते हैं होते 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 हैं 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 ये right down कर लीजिएगा में birds में जो जो उसके वो वो क्या क्या काफी काफी एंड द ब्रस्ट बोर्ड आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ द फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन एन सी के एक एक लाइन पर

देखिए नाउ देखिए जो आपका फिश होता है ना द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी द बॉडी टैपर्स एंड द बोथ देखिए अपर का पार्ट और देखिए आगे का और पीछे का पार्ट देखिए कितना थिक पोर्शन है ना द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन यही लाइन अगर एग्जाम में दे दे है ना तो ध्यान रखना है ना इसलिए ऑफ़ द बॉडी द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइंड ये स्ट्रीम लाइंड सेप किसका होता है किसका होता है एनिमल्स विच इज विच इज फिश क्लियर स्ट्रीम लाइंड शेप याद रखिएगा अब मैं चाहूंगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए माई डियर फ्रेंड्स ये ये येस डॉली yes, yes, yes. निवेदिता चौदार अदिति कमान अवारा खातून क्या बात है नाम यह अनवर खातून ओके 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 Okay, Anubharti, clear? Dalika, is it clear? So, streamlined, okay? And this shape is such that water can flow around it easily and allow that fish to move in water, the skeleton of the fish. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front, front part of the body curve to one side and the tail part of swing towards the opposite side the fish forms or the curves as shown as in the figure they quickly of the body tail curves other side this makes twist point for stage of the subjects make fish swim. ahead this is helped by the film of the tail okay now you can movement in the face Movement in the face उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यू नो कैसे स्नेक कैसे मूव करते हैं सांप कैसे चलते हैं देखो मेरे पीछे एक सांप है कहीं निकल के आना जाए आपके सामने है ना खैर कोई बात नहीं आज तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ बट ऊपर वाले से दुआ करो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक आ, क्या कहते हैं एक अच्छे तरीके में बताऊँगा ठीक है ना एक बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा स्नैक देखिए कैसे चलता है स्नैक हैव हाँ अ लॉन्ग बैक बॉन स्नैस हैव हाँ अ लॉन्ग बैक बॉन दे Have many thin muscles. They are connected to each other even through they are far from one another. They also interconnected the backbone, ribs, and skin. The snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives forward push. Forward push by pressing against the ground. Since the long body makes many loops, each loops gives its push. The snake moves forward. The very fast. नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन सो यू कैन सी हर माई डरफ्रेंस इसकी जो बैक बोन होती है काफ़ी लॉन्ग होती है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं पुस्ट के फॉर्म में यू कैन सी इंटरक्ट इंटर कनेक्टेड द बैक बोन ओके नाओ तो चलिए माई डियर फ्रेंस येस थ्री यस येस येस यस ओके नाओ माई डियर फ्रेंस नाव वी आर गोइंग टू हेयर द यू कैन सी हेयर ओके चलिए अब हम सभी लोग समरी में आपको बता चुका हूँ क्या आप सभी लोग अब एम सी क्यू के लिए रेडी हैं क्या आप सभी लोग एम के लिए रेडी हो माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आई एस ऑफिसर आर यू रेडी फॉर एम सी क्यू मूवमेंट ऑफ द ऑफिस यस आर यू रेडी फॉर द एम देखते हैं आप कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सही आंसर देते हैं है न हाउ मेनी ऑफ यू हाउ मेनी ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स गिविंग यू टू द करेक्ट आंसर ओके विल गिविंग टू द करेक्ट आंसर चलिए अब आपका एम सी क्यू देखते हैं इस टॉपिक के अपॉर्ड इस टॉपिक अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए क्या होना चाहिए क्लियर नाउ ओके सो नाउ यू कैन सी से माय डियर मैन नाव यू कैन सी सूर ओके एम सी क्यू देखते हैं ओके देखते हैं डयर आर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉलोवर्स अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड माई डियर फ्रेंड प्लीज ये सेवन चैप्टर का है एक सेकेंड Hmm. एक सेकंड में बेटा करा दूंगा जाओ मोशन सब करा दूंगा ठीक है ना आप टेन्स में नोट तो सब करा दूंगा फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा फिजिक्स में पढ़ा ही रहा था पहले ठीक है ना आप टेंशन एक सेकंड रुक जाइए जरा मैं डियर फ्रेंड एक सेकंड पता नहीं कहाँ गया इसके क्वेश्चन चलो मैं सेवन चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ ओके नाउ आई एम गोइंग टू सेवन टॉ चैप्टर्स ओके सेवन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे फिर हम इसके एम सी क्यू को करेंगे ठीक है इसके एम सी क्यू पर देंगे करें सेवन टॉपिक स्टार्ट आर यू रेडी या फॉर टुमारो इफ़ यू आर रेडी फॉर द सेवन चैप्टर येन वी हैव टू बी स्टार्ट हेयर ओके सेवन चैप्टर्स करें स्टार्ट क्या आप सभी लोग रेडी हो आर यू रेडी माई डियर फ्रेंड्स सेवेंथ कर देते हैं ना ताकि आपका दो चैप्टर्स आज हो जाएगा है ना फिर दोनों के सेवंथ का तो एम सी क्यू है एट्थ का एम सी क्यू पता नहीं मिल नहीं रहा है मुझे कहा है अगर नहीं मिलेगा ना तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा ठीक है ना सेवन्थ का ना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा दूंगा क्लियर सेवेंथ का कर लेते हैं थोड़ा फास्ट है ना देखिए देखिए चलिए सेवेंथ का है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स गेटिंग टू नो प्लांट्स ठीक है ना हम लोग इसमें है ना प्लांट्स के बारे में जानेंगे यू you नो know? हम लोग इस टॉपिक्स में माई डियर फ्रेंड्स इस चैप्टर्स में प्लांट्स के बारे में जानेंगे और मैं ये देखने की कोशिश करना हम लोग कि यू के परस्पेक्टिव से ये क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है इज इट क्लियर क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्लियर नहीं है ठीक है ना देखना यू के परस्पेक्टिव से इसमें बेसिकली आपको प्लांट्स के बारे में आपको जानना है ठीक है ना आपको जानने की कोशिश करना है आप देख सकते हो किस प्रकार आपके सामने प्लांट्स बेसिकली आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानना है जो भी प्लांट्स होते हैं ना जो भी प्लांट्स इस प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे ठीक है ना देखिए कुछ भी प्ला कुछ प्लांट्स क्या होते हैं आपके हर्ब्स के फॉर्म में होते हैं कुछ शॉब्स होते हैं कुछ ट्री के फॉर्म में होते हैं ना तो हम लोग इसी को जानने की कोशिश करेंगे तो आइए आप लोग सभी इसको देखने की कोशिश कीजिएगा डियर फ्रेंड इस सेशन में है ना देख सकते किस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ एक तो आपका होता है हर्ब्स देखिए, एक होता है आपका हर्ब्स और एक होता है आपका देखिए एक होता है आपका हर्ब्स और एक होता है आपका सर्प्स और एक होता है आपका ट्री एक होता है आपका ट्री है ना ये प्लांट्स में हर्ब्स वो होते हैं माय डियर फ्रेंड जो बहुत ही छोटे होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो बहुत बिल्कुल छोटे होते हैं उसको आप क्या कह सकते हो हॉब्स कह सकते हो जैसे आपने लहसन का देखा होगा पौधे को आपने ओनियन के पौधे को देखा होगा आपने तुलसी के तुलसी का नहीं कह सकते ठीक है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे वो हॉब्स कहेंगे जो बिल्कुल छोटे होंगे जो आपके बिल्कुल छोटे होंगे जैसे आपका टोमेटो का हो गया आपको पता है जैसे आपका टोमेटो का हो गया तो ये सब इसमें क्या आएंगे वो आपके हाब्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके हाब्स आएंगे हर्ब्स होंगे क्या होंगे हर्ब्स होंगे जो ग्रीन होते हैं जिसमें टेंडर होते हैं यू कैन सी लाइक दिस उसको क्या उस हम क्या कहेंगे उस प्लांट्स को क्या कहेंगे हम लोग हर्ब्स कहेंगे ठीक है ना और एक होता है आपका शर्ब्स एक होता है आपका श्रब्स श्रब्स का मतलब डियर फ्रेंड्स इसमें वो हो जाएगा जैसे कि आपने देखा होगा जो थोड़े से लंबे होते हैं जो टोमेटो से जैसे कि आपने लेमन का ट्री को देखा है लेमन के ट्री को देखा है लेमन के ट्री को देखा है लेमन के ट्री को देखा होगा ये आपके क्या कहलाएंगे ये आपके सर्ब्स कहलाएंगे यू नो एक आप उसको भी कह सकते हो जो अनार का होता है आपकी कोट है ना अनार का होता है आप उसको भी कह सकते हो वो भी आपका आ जाएगा इसमें है ना जो भी चीज़ें फिर आपका ट्री ट्री में जो काफ़ी लंबे होते हैं जो आपका हो गया मैंगो जो आपका हो गया मैंगो तो देखिए जिस तरीके से देखिए जैसे टोमेटो क्या है टोमेटो क्या होता है जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं मैंगो क्या होते हैं जो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं लेमन क्या होते हैं जो स्लाइटली टॉलर देन होता है यू नो दिस इज द थिंग्स अब टोमेटो आपको पता है ग्रीन और टेंडर फॉर्म में होते हैं मैंगो क्या होता है ये थिक भी होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो ट्री का मतलब ट्री ट्री क्या होंगे हो जो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे ट्री वाला क्या होगा जो हार्ड होगा यस ये जो हार्ड होगा और श्रब्स वाला क्या होगा होगा वो भी हार्ड होला वो होगा वो भी हार्ड लेकिन वो स्टेम बेस्ड होंगे लेकिन वो स्टेम बेस्ड होंगे जैसे आपका लेमन होता है तो लेमन भी क्या होता है वो हार्ड तो होता है लेमन भी क्या होता है लेमन भी क्या होता है वो हार्ड तो होता है ना लेमन भी क्या होता है वो हार्ड तो होता ही है लेमन क्या होता है वो आपका हार्ड तो होता ही है बट बट हार्ड के साथ साथ क्लास ओके बट वो क्या होगा आपका हार्ट्स के साथ साथ क्या होगा वो आपका इसमें स्टेम इस भी होता है आई होप मुझे लग रहा है कि शायद आपके ये सारी चीजें क्लियर है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माइड एनी वन हैज कन्फ्यूज तो क्या आप मुझे एक एक एग्जाम्पल बता सकते हो हर्ब्स का एक एग्जाम्पल बताओ ट्री का एक एग्जाम्पल बताओ और सरफ का एक एग्जाम्पल बताओ फटाफट एक एक दो दो बताओ तो आपके नज़र में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके हर्ब्स के फॉर्म में देखते हैं कौन सा ऐसा प्लांट्स है फ्रेंड्स जो आपके ट्री के फॉर्म में देखते हैं ट्री में तो सब लोग बता दोगे सरब का बताओ ठीक है सरब का बताओ क्या होगा उसके बाद माई डियर फ्रेंड्स इसमें जो उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका देखिए जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये है ये वाला ये वाला आपका हर्ब्स है ये वाला जो आपका शर्ब्स है और ये वाला जो ये ट्री क्या है ये आपका ट्री है आप देख सकते हो एग्जाम्पल के फॉर्म है ना हव्स एंड ट्री है ना आई होप मुझे क्लियर हैं यू डोंट है yes, yes, on, सागरी का अनुभति सोचो ना क्या होगा सोचो क्या होगा देखा नहीं है क्या आप लोगों ने है ना नाउ द दैट माई डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इन दिस सेशन उसके बाद आपको इसमें जानकारी होना पता होना चाहिए आपको एक सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें क्रीपर्स एक सॉरी सॉरी एक होता है आपका क्रीपर्स और एक होता है आपका, आपका क्लिम्बर्स क्रीपर्स और एक होता है आपका क्लिम्बर्स ओके क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स यस हर मिट तुलसी मैरीगोल्ड एटसेट्रा ये चिली यस वेरी गुड कमान ग्रीन चिली हर्ब्स नाउ वेरी गुड कमान कमांडोली कौशिक यस अब नाउ पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स इसमें अब आपको हमें देखना है कि क्रीपर्स क्या होते हैं क्लिम्बर्स क्या होते हैं देखिए क्रीपर्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये क्रीपर्स का मतलब होता है जो ग्राउंड के सहारे होते हैं दैट प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रीड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स यानी कि ये इतने इसके स्टेम वीक होते हैं कि आप इसे खड़े नहीं कर सकते आप इसको स्टैंड नहीं कर सकते है इसलिए आपने देखा होगा जो कुकुम्बर के जो होते हैं कुकुंबर जो छोटे छुट छोटे जो आपका जैसे जो आप परवल खाते हो है ना जैविक जो आप तोड़ी वगैरह खाते हो तो ये सब जो भी जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके वेजिटेबल्स के जो होते हैं जो खीरा वगैरह आपने देखा होगा इसके जो प्लांट्स होते हैं ना वो एट इन द फॉर्म ऑफ द क्रीपर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्रीपर्स होते हैं आपने देखा होगा आप किसी भी गाँव से बिलोंग करते होंगे तो देखा होगा खेतों में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मतलब कि जो खेतों में फैले होते हैं ना खेतों में फैले होते हैं तो वो आपको कहलाएंगे क्रीपर्स वो क्या कहलाएंगे आपके क्रीपर्स कराएंगे हाँ जी मनी प्लांट क्या बात है एग्जाम्पल मनी अच्छा ध्यान देखना नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका मैंने देखा जबकि देखिए क्लिम्बर्स क्या होते हैं क्लिम्बर्स क्या देखिए क्लिम्बर्स तो आपके होते ही हैं वो भी आपके वीक होते हैं क्लिम्बर्स के भी वो वीक होते हैं लेकिन वो उसको आप स्टैंड कर सकते हो उसको आप कर सकते हो उसको आप किसी के सहारे है ना वेल द दोज दैट टेक्स सपोर्ट ऑन द नाइबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लीम अप आर कॉल जिस जिसके आप सपोर्ट के फॉर्म में उसको आप एक तरीके से स्टैंड कर सकते हो दैट इज नोन एज द क्लम्बर्स है ना दैट इज नोन एज द क्लिम्बर्स क्लियर वो आपका क्लम्बर्स होगा क्लियर देखिए द डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स एंड श्रब्स आर ट्री हाँ वो अलग पर है परस सम प्लांट्स इन योर स्कूल ये चलिए स्कूल के फॉर्म में आ गया नहीं चलिए पॉइंट अब मैं आपके एक आपको एक एग्जाम्पल एक, 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 एक आपको एक बेहतर एग्जाम्पल देता हूँ है ना एक आपके एग्जाम्पल समझाता हूँ एक मोस्ट ऑफ़ द पॉइंट एक आपके एक्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना उसके बाद आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना आज आप लोग चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो यस वाटर मिलन कह सकते हो पंपकिन बहुत अच्छा बेटा ऐसे सोचा करो देखिए आप लोग क्या करना एक इस तरीके का एक कुछ प्लास्टिक का लेना है ना उसमें क्या करना कोई भी रेड कलर का कुछ भी कलर वलर मिला देना पानी दे देना उसमें ना कोई ऐसा प्लांट्स रख देना जिसके फूल जो है ना जिसके फ्लावर्स जो है ना आ, मतलब कि फ्लावर्स उसमें होते हों एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप रोज का ले लेना कोई भी ले लो है ना अगर आप उसके ग्लास में या किसी भी चीज़ में अगर आप उसको कलर मिलाओगे ना तो उसके हेल्प से उसके जो फूलों का जो कलर होगा ना फ्लावर्स का जो कलर होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेम क्योंकि स्टेम क्या करता है वो वाटर को क्या करता है ऑब्जॉर्व करता है जो पहुंचाने की कोशिश करता है, है ना इसके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू में है ना तो नाव देखिए मैं आप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें अब आप देखिए इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से है ना नाव देखिए जैसे मैं आपको एक पहली बात पॉइंट आपको मैं लीफ पढ़ाता आता हूँ लीफ अब रहिए अब प्लांट्स के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लीफ की ओर आते हैं किसकी ओर आते हैं फ्रेंड्स हम लोग लीफ की आते हैं मेरे होम पे भी है ना फ्रेंड्स मैं आपको एक मिनट का मैं ब्रेक के बाद आता हूँ है ना थोड़ा पानी पी के आता हूँ है ना? एक मिनट में ब्रेक के बाद आते है ना फल तब तक आप सभी लोग है ना एक रिवाइज करिए वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड हाँ जी चलिए फ्रेंड्स इतनी पॉइंट क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स इतनी पॉइंट क्लियर है क्या आप सभी के इतने पॉइंट क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स ओके अब सुनिए अब मैं बताता हूँ आपके प्लेप के बारे में आपको जानना है इतना कि इतना तो यूपीएससी ये सब चीज़ नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी जान लो ठीक है ना तो मुझे जहाँ तक लगता है देखिए ये जो अगर मान लो सपोज दैट मान लो कि ये प्लांट्स अगर आप इस तरीके से बनाते हो है ना इस तरीके से बनाते हो इस तरीके से बनाते हो तो ये वाला जो पार्ट है वो यही पैटियोल है ये पैटियोल है ठीक है ना ये जो अपर का जो पार्ट है ये आपका रेमिना कहलाता है ये आपका लीफ है और ये बिटवीन का जो पार्ट है बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग रीव कहते हैं क्या कहते हैं रीव कहते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ इसमें देखिए इसमें देखिए ध्यान से दिख रहा है आप सभी को इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ देखिए ये जो बीचविन का जो पार्ट है नहीं यार जो जो जैसे कोई भी जैसे प्लांट है आप देखिए इधर मैं दिखाता हूँ जैसे ये है ये है ये है ये है ये है तो ये वाला है इसको हम लोग विंस कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग विंस कहते हैं जो मिडिल वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिड रिप तो बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिड रिप कहते हैं है ना मिडिल ऑफ द दिस विन इज कॉल्ड द मिड रिप द डिजाइन मेड बाय विंस इन लिफ इज द कॉल्डन अब एक होता है आपका रेटिकुलेट और एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन अब मैं आपको इसमें एक और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सेक। मेरे बच्चे सेक। होना है हाँ क्लियर सो नेक्स्ट उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब जो आपको समझने की जो जरूरत है इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना सारी सिक्स क्लास के सुंदर ध्यान रखो उसके बाद वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफिरेशन प्लांट्स रिलीज लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस वी विल लर्न मोर अबाउट इन द चैप्टर ओके खा के बाद देखिए अब जो भी वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है वाटर का जो प्रोसेस होता है थ्रू द लिव्स ओके लिव्स इन द फॉर्म ऑफ ओके सो दिस इज द वाई द वे ऑफ द कॉल्ड द ट्रांसफरेशन जो वाइपर के फॉर्म में होता है ओके ओके नाउ उसके बाद देखिए मैं आपको और बताऊँ इसमें जो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट है उसका उसका नेक्स्ट आपका रूट्स है इस रूट्स में भी आपको पता होना चाहिए देखिए एक रूट्स होते हैं आपका जो सिंपल रूट्स होते हैं एक होता है आपके एक ऐसे रूट्स होते हैं तो सीधा सीधा रूट्स दिख रहा है इसके सीधे सीधे आपके प्लांट्स दिख रहे हैं एक होता है विथ रूट्स एक होता है विदाउट रूट्स ओके अब इसमें देखिए अब ये आपका फ्लावर आ गया ना इस फ्लावर में देखिए जो फ्लावर का जो ऊपर का जो पार्ट होता है जो आपके ऊपर का जो पार्ट होता है इसको आप क्या कहते हो पेटल्स कहते हैं शैपल्स क्या होता है जैसे मान लो कि कोई भी फ्लावर्स जिसके अंदर से जो फ्लावर्स निकल रहा होता है जिसके अंदर से जो फ्लावर निकल रहा होता है ना तो उसको आप क्या कहते हैं सेप्पल्स कहते हैं सेप्पल्स कहते हैं दिस इज द सेप्पल्स है ना ये बर्ड एंड फ्लावर्स है फ्लावर्स पेटल्स है ना बस आपको नेम का पता होना चाहिए ना ये कोई उतना बिग नहीं प्रॉब्लम थिंग्स नहीं है कि जो आपको पता होना चाहिए नाउ दिस इज नॉट द बिग इशू है ना जो हैव टू जो आपको पता होना चाहिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस के सीरीज को करते हैं ठीक है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हांजी हांजी हाँ जी हांजी हां जी, हां जी, ओके 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 देखो बेटा जाइलम के थ्रू जो है ना वो आपका वाटर का होता है और आपका फोटोसिंथेसिस हेल्प से नाउ नेक्स्ट दिस इज द नेक्स्ट है ना देखिये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लॉवर से पिस्टील एंड रेडिकल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इसमें से कौन सा है जो दिस इज नॉट नॉट पार्ट नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लावर्स अगर आप फ्लावर्स के एक बार देखना चाहो तो एक बार आप देख लो एक बार देखना चाहो तो एक बार आप देख सकते हो यू कैन सी यर दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर यू कैन सी यर दिस इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स ओके आप देख सकते हो पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स है ना आप यहाँ पर देख लो फिलामेंट एंथर ओके okay? स्टालमेंट फिस्टिल ओके okay? फिस्टिल आपको पता होना चाहिए जो ये वाला जो पार्ट होता है ना जो बीच मिल का जो पार्ट होता है वो आप ये वाला है ना उससे इसके फ्लामेंट हो गया ये वाला पार्ट आपका फेस्टल हो गया ये आपका स्टामेंट्स हो गया नाव ठीक है ना पार्ट्स ऑफ द है ना उसके बाद आप ये भी देख सकते हो फ्लावर के पार्ट्स आप देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो देखिए ये भी आप देख सकते हो सैपल्स पेटल्स नाउ क्लियर सैपल्स स्पेटल चलिए ठीक है ना अब चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ आपको देता हूँ ठीक है ना फिर आप फिर से बताना क्या होगा आंसर है ना फिर से बताना वच वन इज़ द करेक्ट आंसर नाउ Which of the following is not a part of flower? Sepal, petals, stamen, pistil or radical? Which one is not the answer? देखते हैं बहुत सारे students इस questions का सही answer दे रहे हैं ना और देखना चाहिए आपके questions पे कौन सा सही answer है? Option number D will be the correct answer. बिल्कुल. Sepals, petals, stamen and pistil are the various parts of flower. पार्ट ऑफ सीट विच गि रेडिकल का मतलब क्या है जो पार्ट होते हैं जो राइज करता है किसने सही से यहां से देखो पढ़ने के बाद कुछ रियलाइज हो रहा है एक डॉक्टर अंजलि गुप्ता ठीक है ना एम सी क्यू में आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेज होंगे ठीक है ना चलिए नाउने दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सोचना आराम से रेटिकुलेट और पैरेलल के, के बारे में मैंने आपको नहीं बताया नहीं रेटिकुलेट और पैरेलल के बारे में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि क्या होते हैं रेटिकुलेट और रेटिकुलेट और क्या होता है पैरेलल क्या रेटिकुलेट क्या होते हैं पैरेलल मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ देखिए रेटिकुलेट उसको कहते हैं ध्यान रखिएगा मैं आपको समझा दूँ देखिए रेटिकुलेट रेटिकुलेट का मतलब वो होता है मेडियो जैसे मान लो कोई भी कोई भी आपके प्लांट्स है ना अगर इसमें इसमें इस तरीके से होना तो ये वाला जाना ये आपका रेटिकुलेट रेटिकुलेट होता है कौन सा होता ये है विन्स रेटिकुलेट विन्स होते हैं ठीक है ना एक होता है पैरल पैरल जैसे कि आपने बनाना के लीफ को देखा होगा है ना तो उसके अंदर क्या होते हैं वो आपका होता है ठीक है ना जैसे आप एलोवेरा का देख सकते हो है ना तो वो भी आपका पैरल फॉर्म में होता है द अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड कॉल्डन दिस कैन बी ईदर रेटिकुलेट और पैरल ओके पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द लीव्स रिव्स के रिगार्डिंग क्लियर साइड हो जाऊं ओके ये लो साइड हो जाता हूं ये लो ठीक है बताना पहले सोच लो फिर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है द अरेंजमेंट ऑफ द विंस ऑफ लिप्स इज कॉल्ड मिनिशन स्कैन बीट और पैलन लिप्स है पेट्योल एंड अ लैमिना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिप्स परफॉर्म फोथोसिंथेसिस

कौन सा होगा सही आंसर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ओके यू गेव आंसर फर्स्ट ओके वेरी गुड कम ऑन देखिए डी इज इनक्रीज रैदर रैदर रिलीज वाटर वैपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफोर्टेशन ठीक है चलिए नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेम एक्ट एज अ टू वे पाथवे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेम्स रिगार्डिंग द स्टेम्स है ना पता है? तने दो तरह से मार्ग का कार्य करता है उपचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लीज टेक योर टाइम प्लीज टेक योर टाइम फॉर दिस आंसर ओके इज इट क्लियर एंड व्हाट इज योर आंसर व्हाट इज योर आंसर क्या होगा पोल के अकॉर्डिंग बताए बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है ठीक है ना सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके सो स्टेम परफॉर्म बोथ द एब स्टार्टेड फंक्शन स्टेटेड फंक्शन स्टेम कैन बी ऑफ मेनी टाइप ऑफ दिस कैन बी हार्ड सॉफ्ट एंड वीक बताया था ना कुछ स्टेम हार्ड भी होते हैं कुछ सॉफ्ट भी होते हैं कुछ वीक भी होते हैं ट्रीज है क्लिम्बर्स के बारे में आपने एग्जाम्पल्स भी दिया था दिया था ना एग्जाम्पल्स भी दिया था कि नहीं दिया था ना चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग द रूट्स roots transport roots transport roots transport water and nutrition from the soil up to the different parts of the plant and fixes the plant into the soil what is the answer of this question

इसमें से कौन सा है जिसमें रूट्स नहीं होते यस yes. इसमें से कौन से हैं जिसमें रूट्स नहीं रूट नहीं होते बताएं कैरोट रेडिस पोटैटो एंड टर्निप कैरोट रेडिस पोटैटो एंड टर्निप निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है क्या गाजर मूली आलू सलजम कन्फ्यूज मत होना सही से आंसर बताना ठीक है Come on, come on, come on.

फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा एसेंशियल है यस yes. जनेदर सिंह बताइए क्या बेनि अच्छा सुनो बेनिफिट हो रहा है ना देखिए पहले आप चैप्टर पढ़ रहे हो ठीक है ना उसके बेस पे आप एम सी क्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो है कि नहीं तो कहीं ना कहीं आपके थोड़े अंदर थोड़ा थोड़ा आपका रिवीजन भी हो रहा है बेहतर तरीके से है ना पिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर सनलाइट कौन सा आवश्यक है बताइए देख लिया आपने पोल का दिया अच्छा इधर दिया गया ए वाई -E कुछ लोग कह रहे ई देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें leaves synthesis food in the presence of sunlight a component chlorophyll of the green color water and carbon dioxide are used in the process this is called photosynthesis the food prepared by the leaf ultimately reach the rest of the parts of the plant hence option c is the correct sorry c is the correct oxygen the ऑक्सीजन ही होगा सही है ना प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है इसके लिए प्रोसेस करने के देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर नो 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 दिस इज नॉट द रॉन्ग आंसर बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर ओके ऑक्सीजन अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाऊं तो यू कैन सी हेयर यू कैन सी हेयर ओके यू कैन सी हेयर प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट येस यू कैन सी है यू कैन सी ये मोर फोकस ओके द सनलाइट ओके यू कैन सी हेर प्रोटेक्स गेट द स्टार्ट्स फ्रॉम द अदर प्लांट ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स फूड फूड कलर्ड सब्सटांसेसियल इन देम फॉर दे यूज वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड From air, this process is called photosynthesis. Oxygen is given out in the process. The food prepared by the leaves. Oxygen is given out in the process. Okay? Oxygen is given out in the process. So, according to this question, सो विच वन ऑफ द फॉलो इज एसेंशियल फॉर द फोतेसेज सो एसेंशियल क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही तो आउट करेगा यस यू नो ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर ओके सो प्लीज डोंट बी कन्फ्यूज और आपको ऐसे ही कन्फ्यूज होने की ज़रूरत पड़ेगी ओके सो माई डियर फ्रेंड्स नाउ द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट द सेशन इज द लास्ट ओके प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन ओके एंड डेफिनेटली वी विल मीट ऑन टूडे नाइट है ना आज रात को मिलते हैं ठीक है ना जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कंप्लीट कंप्लीट करेंगे ठीक है ना और बेस्ट उसके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ठीक है ना कैसा लगा जरूर बताना और जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो नाइन्थ और टेंथ दो टॉपिक्स फिर से होंगे और उसके इम्पॉर्टेंट सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड करेंगे ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लीज़ यूज माई राफल गुड एस के आप प्लीज़ फॉलो मी ऑन अन अकेडमी आप लर्निंग आप ओके थैंक यू सो मच गुड बाय टेक केयर वेरी गुड बाय बाय टेक के गुड नाइट टेक बाय बाय